नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि इसी तरह की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तमिलनाडु में एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया कोरोना लॉकडाउन। 24 मई को खत्म हो रही थी पाबंदियों की मियाद। जी हां, आपको बता दें कि तमिलनाडु में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। पहले लगाए गए लॉकडाउन की मियाद 24 मई को खत्म हो रही थी, जिसे अब बिना किसी छूट दिए 24 मई से एक हफ्ते और आगे बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सरकार के इस फैसले की घोषणा अधिकारियों के साथ साथ चिकित्सा विशेषज्ञों और सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों वाली विधायिका समिति की बैठक के बाद की। स्टालिन ने बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन को 24 मई से अगले एक सप्ताह के लिए बिना किसी ढील के बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाबंदियां सोमवार से प्रभावी हो जाएंगी। सीएम अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से अपील, कहा दिल्ली को वैक्सीन उपलब्ध करवाएं, युवाओं का टीका आज से बंद। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार से वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। केंद्र सरकार से उन्होंने अपील की है कि दिल्ली को वैक्सीन उपलब्ध करवाएं ताकि दोबारा टीकाकरण शुरू किया जाए। इसके साथ ही दिल्ली में वैक्सीन का कोटा भी बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर महीने 80 लाख वैक्सीन डोज की जरूरत है। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली है और जून के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली का कोटा और कम कर दिया है। जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएंगी। अगर हर महीने 8 लाख वैक्सीन मिली तो दिल्ली के वयस्कों को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने से ज्यादा का समय लग जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आज से युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितनी वैक्सीन भेजी थी वो सभी खत्म हो गई है। कुछ वैक्सीन की डोज बची हुई है वो कुछ सेंटर में दी जा रही है, वो भी अब खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश में 1 जून से धीरे धीरे होगा अनलॉक, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अब 1 जून से राज्य को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काबू में आ रहा है और अब 1 जून से प्रदेश को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य को 1 जून से चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में पॉजिटिविटी रेट घटकर 5% से कम हो गई है। 10 मई को जो पॉजिटिविटी रेट 15.79% थी उसमें खासी कमी देखने को मिली है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रही है। सीएम ने कहा कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ती जा रही है और 90% से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि हालात पूरी तरह से अब काबू में है। सीएम अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और जल्द ही अनलॉक का प्लान जनता के सामने रखा जा सकता है। सोनिया गांधी की पीएम मोदी से मांग, कहा आयुष्मान भारत योजना के तहत ब्लैक फंगस को करे कवर। जी हां, कोरोना संक्रमण के बाद अब ब्लैक फंगस या म्यूकोर माइकोसिस नाम की बीमारी पूरे देश में तेजी से फैल रही है। कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। इस बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत ब्लैक फंगस को भी कवर करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही इसके इलाज के लिए बाजार में एन्फोटेरिसिन बी दवा की भारी कमी पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में इस बात का जिक्र भी किया है कि केंद्र ने राज्यों से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के लिए कहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि महामारी घोषित करने का मतलब ये है कि इसके इलाज के लिए जरूरी दवाओं का पर्याप्त उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके साथ ही मरीजों की मुफ्त देखभाल की जाए। म्यूकोर माइकोसिस से प्रभावित हो रहे बड़ी संख्या में मरीजों को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। भारत को मई के अंत तक मिलेगी स्पुतनिक वी की 30 लाख डोज, अगस्त से देश में शुरू होगा प्रोडक्शन। जी हां, कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में वैक्सीन की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी बीच रूस जल्द ही भारत को स्थानीय स्तर पर स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी देगा। रूस में भारतीय राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा ने कहा कि अगस्त से भारत में प्रोडक्शन वैक्सीन का शुरू हो जाएगा।
वर्मा ने कहा कि मई के अंत तक भारत में 30 लाख से अधिक डोज की सप्लाई की जाएगी और जून में यह सप्लाई बढ़कर 50 लाख होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत में शुरुआत में वैक्सीन के 85 करोड़ डोज का प्रोडक्शन करने की योजना है। राहुल गांधी का फिर पीएम मोदी पर निशाना, कहा मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते फैली ब्लैक फंगस महामारी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए देश में कोरोना के साथ साथ बढ़ रही ब्लैक फंगस महामारी के लिए केंद्र सरकार के कुशासन को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीन के बाद अब देश में ब्लैक फंगस की दवा की कमी के मुद्दे के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है, वैक्सीन की कमी तो है ही, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। इससे जूझने के लिए पीएम ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। राकेश टिकैत ने कहा, बातचीत के लिए हमने सरकार को लिखा खत, 26 मई को मनाएंगे काला दिवस। जी हां, दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन को 6 महीने का समय होने वाला है। ऐसे में अब किसान नेता ने सरकार से बातचीत के लिए आग्रह किया है। इस बारे में गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बातचीत की। बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कहती थी कि एक कॉल की दूरी है, लेकिन अब हमने पत्र लिखा है बातचीत के लिए, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि मुद्दे हमारे वही हैं, मुद्दों से समझौता नहीं किया है। सरकार हम पर आरोप लगाती थी कि किसान बात नहीं करते, लेकिन अब हमने पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने पर 26 मई को काला दिवस मनाया जाएगा। वैक्सीन की किल्लत के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा सरकार ने WHO की गाइडलाइंस को ध्यान में नहीं रखा। जी हां, देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत का सारा ठीकरा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार के सिर फोड़ दिया है। देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की भारी कमी की खबरों के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव ने बड़ा बयान दिया है। देश में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन कर रही कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वैक्सीन की किल्लत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हेल्थ एडवोकेसी प्लेटफॉर्म की तरफ से आयोजित वर्चुअल सेमिनार में जाधव ने कहा कि देश को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के निर्देशों का पालन करना चाहिए और उसके हिसाब से ही वैक्सीन की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने के दौरान वैक्सीन के अवेलेबल स्टॉक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी थी, जिसके लिए 60 करोड़ डोज की जरूरत थी। IMF ने दुनिया भर में सभी के टीकाकरण का प्लान पेश किया, $50 अरब की होगी जरूरत। जी हां, दुनिया भर में कोरोना महामारी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने एक बड़ा वैक्सीनेशन प्लान बनाया है और कहा है कि अगले साल के मध्य तक दुनिया भर में सभी योग्य लोगों को टीका लगाने के लिए लगभग $50 बिलियन की आवश्यकता हो सकती है। IMF ने एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का प्रस्ताव रखा है जिसमें करीब $9 ट्रिलियन का वैश्विक आर्थिक लाभ हो सकता है। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ और उनके सहयोगी रुचिर अग्रवाल द्वारा तैयार किए गए इस डिटेल प्लान का लक्ष्य 2021 तक सभी देशों के 40% लोगों का वैक्सीनेशन और बाकी 60% लोगों का 2022 की पहली छमाही तक टीकाकरण करना है। प्रकाश जावड़ेकर बोले, कांग्रेस अब नकारात्मक राजनीति पर उतर आई, सोनिया गांधी जवाब दें। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब नकारात्मक राजनीति पर उतर आई है। उन्होंने सोनिया गांधी से सवाल किया कि कांग्रेस इस तरह की नकारात्मक राजनीति क्यों कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान पर भी सोनिया गांधी से जवाब मांगा। प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुरुआत में कोवैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहा गया, अब सबसे ज्यादा अच्छी कोवैक्सीन साबित हुई है तो उन्होंने अब एक नया शब्द ट्रैवल बैन जोड़ा है, लेकिन WHO ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। कांग्रेस पार्टी देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने का काम कर रही है, लोगों में डर और भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं है। कांग्रेस अब नकारात्मक राजनीति पर उतर आई है, सोनिया गांधी को बताना चाहिए कि कांग्रेस इस तरह की नकारात्मक राजनीति क्यों कर रही है।
अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश के साथ साथ एक या दो स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत, सिक्किम, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश और तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में एक या दो स्थानों पर तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के अलग अलग हिस्सों, राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास तथा बंगाल की खाड़ी के मध्यम भागों में बहुत तेज हवाएं चलेंगी तथा समुद्र में लहरें काफी ऊंची उठ सकती हैं।